दोस्तों अगर आप भी विराट कोहली को विश्व का सबसे बेहतरीन प्लेयर मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों जैसा कि हम सब जानते हैं कि भारतीय टीम साउथ अफ्रीका के साथ टेस्ट मैच खेल रही है और इस टेस्ट मैच की सीरीज में पहला मुकाबला भारतीय टीम ने बेहतरीन तरीके से जीता, तो वहीं दूसरा मुकाबला कल 3 जनवरी को खेला जाएगा। चलिए दोस्तों आपको बताते हैं कि भारतीय टीम कल कैसा प्रदर्शन कर सकती है, लेकिन उससे पहले राहुल और मयंक अग्रवाल में कौन है बेहतरीन टेस्ट प्लेयर, इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। दोस्तों पिछले मैचों में भारतीय टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और आपको बता दें कि पहली पारी में भारतीय टीम ने 327 रन बनाए, वहीं इसका पीछा करते हुए साउथ अफ्रीका की टीम मात्र 197 रन बनाकर ढेर हो गई। वहीं इसके बाद भारतीय टीम के पास में 130 रन की बेहतरीन बढ़त थी और वहीं इसके बाद दूसरी पारी में भारतीय टीम ने बल्लेबाजी करी और भारतीय टीम ने ठीक ठाक सा प्रदर्शन करते हुए 174 रन बनाए और वहीं भारतीय टीम ने साउथ अफ्रीका को 305 रनों का लक्ष्य दिया, जिसका पीछा करने उतरी साउथ अफ्रीका की टीम मात्र 191 रन बनाकर बुरी तरीके से ढेर हो गई। और इसी के साथ ही भारतीय टीम ने इस मैच को 113 रनों से जीत लिया और इस मैच के हीरो रहे मोहम्मद शमी और केएल राहुल, क्योंकि शमी ने पहली पारी में 5 तो वहीं दूसरी पारी में 3 विकेट लेकर कुल 8 विकेट लिए और वहीं केएल राहुल ने पहली पारी में अपना 7वां शतक जड़कर 123 रन तो वहीं दूसरी पारी में 23 रन बनाए, जबकि जिसकी बदौलत ही टीम इस बड़ी जीत को हासिल कर पाई और राहुल को मैन ऑफ द मैच से सम्मानित किया गया और भारतीय टीम साउथ अफ्रीका के सेंचुरियन ग्राउंड पर पहली जीत हासिल करने में सफल रही। दोस्तों आपको बता दें कि टीम में ओपनिंग करने के लिए मयंक अग्रवाल के साथ केएल राहुल ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे। मयंक अग्रवाल ने पहले मैच में शानदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया, उन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ अर्धशतकीय पारी खेलकर भारतीय टीम को जीत दिलाने में अपना अहम योगदान दिया, तो वहीं केएल राहुल टीम में रोहित शर्मा की जगह बल्लेबाजी करने के लिए आएंगे और ये टेस्ट टीम में बहुत समय के बाद जगह बना रहे हैं और एक उन्होंने पिछले मैच में शानदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया था और उन्होंने 123 रन बनाकर शानदार पारी खेली थी और अपना 7वां शतक जड़ा था, तो वहीं तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए चेतेश्वर पुजारा आएंगे जो कि अपने बेहतरीन फॉर्म से गुजर रहे हैं। वहीं चौथे नंबर पर टीम के कप्तान विराट कोहली बल्लेबाजी करने के लिए आएंगे जो अपने प्रदर्शन को अर्धशतक और शतक में तब्दील करना चाहेंगे। वहीं पांचवें नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए अजिंक्य रहाणे आएंगे और रहाणे से भारतीय टीम को प्रदर्शन करने की उम्मीद है और छठवें नंबर पर विकेट कीपर के रूप में ऋषभ पंत टीम में शामिल होंगे क्योंकि शाह को पिछले सीरीज में मौका दिया गया था लेकिन वो उस मौके को भुना नहीं पाए। सातवें और आठवें नंबर पर ऑलराउंडर के तौर पर रविचंद्रन अश्विन और शार्दुल ठाकुर खेलेंगे। स्पिन ऑलराउंडर के तौर पर अश्विन टीम में जगह बना पाए हैं तो वहीं शार्दुल ठाकुर बैटिंग भी कर सकते हैं, इस कारण से उन्हें टीम में एंट्री मिली है और 9वें और 10वें और 11वें नंबर पर टीम में बुमराह, समी और मोहम्मद सिराज शामिल होंगे क्योंकि समी ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले मैच में 8 विकेट लिए थे और वहीं जसप्रीत बुमराह ने 5 विकेट लिए थे और ये दोनों खिलाड़ी भारतीय टीम के रेगुलर तेज गेंदबाज हैं जो टीम की तेज गेंदबाजी के महारथी हैं और साथ में मोहम्मद सिराज जो कि पिछले मैच में 4 विकेट लेकर अपनी जगह टीम में पक्की कर चुके हैं। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 3 टेस्ट मैचों की सीरीज का दूसरा मुकाबला कल 3 जनवरी से खेला जाएगा और भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच में दूसरा टेस्ट मैच जोहानसबर्ग के वॉन्डर्स स्टेडियम में खेला जाएगा। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच में खेला जाने वाला दूसरा टेस्ट मैच भारतीय समय अनुसार दोपहर 1:30 पर शुरू होगा और वहीं भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच में खेले जाने वाले मैच का लाइव प्रसारण आप स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के चैनल पर अलग अलग भाषाओं में देख सकते हैं। मैच का प्रसारण हिंदी, अंग्रेजी के अलावा क्षेत्रीय भाषाओं में भी किया जाएगा और मैच की लाइव स्ट्रीमिंग सब्सक्रिप्शन के साथ डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देख सकते हैं। तो वहीं भारतीय टीम अगर टॉस जीतती है तो बल्लेबाजी का फैसला करेगी और पहले दिन के अंत तक भारतीय टीम 350 के आसपास रन 7 विकेट पर बना सकती है। दोस्तों आपके हिसाब से कल के दिन भारतीय टीम कितना स्कोर बना पाएगी, नीचे हमें कमेंट सेक्शन में जवाब जरूर दीजिएगा और ऐसी ही खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।